Tane ko lego visitor. हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक नए केस के साथ हूँ। ये क्या केस है, इसको किस तरीके से ठीक किया गया है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये केस है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का बंद। ये देखिए किस तरीके से हम दवा के इसको देख रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं कि ये पेशाब इसमें भरा है और आखिर इसमें पेशाब एब्डोमेन कैविटी में कैसे आ गया, ये दोनों तरफ से हम इसको देख रहे हैं। तो ये केस है रैप्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर रैप्चर होकर सारा पेशाब इसके, ये यहाँ से सर्जरी की हमने और सर्जरी करके ये एक कैथेटर डाल दिया है और कैथेटर की मदद से ये सारा यूरिन वापस बाहर आ रहा है। जो ड्रेनिंग ऑफ यूरिन अब दिखाई दे रहा है कि किस तरह डाला जाए, तो ये रैप्चर हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर रैप्चर हो जाएगा तो वहाँ से पेशाब रिस रिस के एब्डोमेन कैविटी में आ जाता है और लवारिस की टॉक्सीमिया की वजह से मौत हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया के बाद हम इसको शेविंग करते हैं, साइड प्रिपरेशन करते हैं। साइड प्रिपरेशन करने के बाद 1.5 से 2 इंच का इंसीजन लगाते हैं और इंसीजन की मदद से इस पाइप को अंदर डाल देते हैं और वहाँ से जितना भी यूरिन इकट्ठा हुआ है, जो 10-12 दिन से इसको पेशाब को बंद लगाता है, वो सारा यूरिन निकालते हैं और फिर इसमें 18-20 नंबर का फॉली कैथेटर इसको फिट कर देते हैं और ये बेहतरीन रिजल्ट के साथ ये ऑपरेशन हम लोग कर देते हैं। आखिर ये बंद लगता कौन से पशुओं में है और कब लगता है? ये पेशाब का बंद लगता है मेल बफेलो काफ में या मेल पशुओं के बच्चों में ज़्यादा लगता है, बकरों में बहुत लगता है और इसका कारण है स्टोन कैल्कुलाई, पथरी बन जाती है और धीरे धीरे वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे उसके जो पैसेज है, जो यूरेथ्रा है, उसके अंदर फंस जाती है और पेशाब को आने नहीं देती है। तो पथरी ना बने इसके लिए हमें क्या करना है, पथरी क्यों बनती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पथरी बनने का सबसे बड़ा कारण है ठंड के सीज़न में, मैंने आपको बताया ठंड में ही सबसे ज़्यादा पथरी बनती है। उसका रीज़न है कि पानी का इंटेक कम हो जाता है, ठंड में लवारे पानी कम पीते हैं, जो मेल काफ है या फीमेल काफ है दोनों ही पानी कम पीते हैं। और दूसरा बड़ा कारण है कंसनट्रेट मिक्सचर में ख़ास तौर से जो दाना है उसमें फास्फोरस ज़्यादा होती है, जो राइस ब्रान है, राइस पॉलिश है या गेहूं का होता है उसके अंदर राइस पॉलिश ज़्यादा होती है, उसमें फास्फोरस ज़्यादा होती है और फास्फोरस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कैल्कुलाई बढ़ने लगती है और कैल्कुलाई बन जाती है। पूरी तरीके से आपने इसका देखा किस तरीके से पेशाब को निकाला, सर्जरी कर दी गई, इसके अंदर कैथेटर डाल दिया गया और ये ना हो इसके लिए क्या करना है आपको, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और कौन कौन सी एंटीबायोटिक इसमें चलेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लवारों की मृत्यु होती है और स्क्रीन पे ये नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है, इस पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए खड़ा हो जाएगा, अभी खड़ा होते ही ये लवारा पानी पीना शुरू करेगा और पानी पीने के बाद पानी पीते ही रहेगा, बिल्कुल होश में आ गया है। ये देखिए इतना बेहतरीन ऑपरेशन के तुरंत बाद इसको हमने पानी पिलाया है ताकि इसका जो पेशाब निकाला है, इसका जो एनर्जी लेवल कम हुआ है तो ये पानी के द्वारा थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसको पेशाब का बंद ना लगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है
वो है अमोनियम क्लोराइड, वो है नौसादर। 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन अमोनियम क्लोराइड इसको खिलाना है। दूसरा सवाल होता है कि जब ये हमने सर्जरी कर दी तो इसमें आपको कौन से इंजेक्शन लगाने हैं। तो एंटीबायोटिक के तौर पर इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेंसिलिन 1 ग्राम BD सुबह और शाम लगाना है 3 दिन तक। इंजेक्शन एनाल्जेसिक के रूप में मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल के साथ 3 ml सुबह 3 ml शाम देना है। और इसमें हमें लोकल टॉपिकल लोशन या हीमेक्स ऑइंटमेंट लगाना है जहाँ सर्जरी की है। और आप देखेंगे धीरे धीरे 8 से 10 दिन में 15 दिन में अपने रास्ते से पेशाब आने लगेगा। जब अपने रास्ते से यूरिन पास हो जाएगा तो इस नली को, दोनों नली को निकाल लिया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज़ आपको बताई कि ये जो ऑपरेशन है इसका एक ही मात्र इलाज है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर ये ना हो, इसके लिए मैं लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार हो गया तो इसका ठीक होना, डॉक्टर्स बहुत कम है, सर्जरी करने वाले लोग बहुत कम है, और पशुओं की मौत हो जाती है। जैसे नवंबर में आप प्रवेश करते हैं, ये देखिए कितना पानी इसके अंदर से निकला है, कितना यूरिन निकला है, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। जैसे नवंबर दिसंबर में आप जाते हैं तो हर तीसरे चौथे दिन 7वें दिन नौसादर 4 से 5 ग्राम नौसादर कलमी सोडा अपने लवारों को खिलाते रहिएगा। मैंने ये देखा है कि फिर बंद नहीं लगता है। कोशिश करनी चाहिए, ये देखिए टॉयलेट लेटरिन भी नहीं कर रहता, ये लेटरिन भी करने लगा। ये 5-6 दिन से लेटरिन की भी शिकायत थी, चूँकि उसका एब्डोमिन बढ़ गया था, प्रेशर बढ़ गया था, तुरंत ऑपरेशन के बाद इसने लेटरिन भी कर दी है। यही ब्यूटी है ऑपरेशन की, यही खूबसूरती है, यही लोग कहते हैं कि तुरंत खान साहब के ऑपरेशन में रिजल्ट आ जाता है। और ये सब हो गया तो अमोनियम क्लोराइड आप देते रहेंगे वीकली इंटरवल पे, 5 महीने देते रहेंगे तो इनमें नहीं लगेगा। कंसंट्रेट मिक्सचर को कम खिलाना चाहिए और इनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए, तो इन लवारों के अंदर ये कंडीशन डेवलप नहीं होगी। मेरे चैनल को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। एक एक चीज करके मैं आपको बताता हूँ, उसको सही से समझाता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि पशुपालन में जो जानकारियाँ हैं वो सही तरीके से आपके पास पहुँच पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।